खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बारह आना। कुछ ऐसा ही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले 10 साल में बनाया तो कुछ नहीं, उल्टा देश की संपत्ति अपने दोस्तों को बांटते जा रहे हैं। पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक, एयरलाइन से लेकर पीएसयू तक, मोदी सरकार ने सब कुछ निजी हाथों में सौंप दिया है। अब निजीकरण के अगले राउंड में वे 25 और एयरपोर्ट निजी हाथों को सौंपने की तैयारी में है। मोदी सरकार अगले साल तक 25 एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंप देगी। एयरपोर्ट प्राइवेट करने का प्लान सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले ही बना लिया, लेकिन चतुराई देखी, चुनाव हारने के डर से उसने इसे दबाए रखा। अब फिर से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अपने मंसूबे कामयाब करने में लग गई। अब जो एयरपोर्ट निजी हाथों को सौंप दिए जाएंगे उनके नाम भी जान लीजिए। विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, तिरुचिरापल्ली, इंदौर, मदुरई, सूरत, रायपुर, अमृतसर, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, गया, हुबली, औरंगाबाद, जबलपुर, तिरुपति और कांगड़ा जैसे कई एयरपोर्ट निजी हाथों में जाने वाले। इस निजीकरण के पीछे अडानी का कनेक्शन। दरअसल मई में अडानी की कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स यानी AAHL ने निवेशकों को जानकारी दी है कि वो कम से कम 25 हवाई अड्डों के निजीकरण के लिए बोलियों में शामिल होना चाहते। बस फिर क्या, नरेंद्र मोदी लग गए उन्हें 25 एयरपोर्ट सौंपने की जुगत। फिलहाल अडानी की कंपनी AAHL के पास त्रिवेंद्रम, मंगलुरु, अहमदाबाद, जयपुर जैसे कई हवाई अड्डों के ऑपरेशन का जिम्मा है। साफ है मोदी सरकार सिर्फ निजीकरण के मकसद से ही काम कर रही है। हर सेक्टर में सरकार अपने खास लोगों की मोनोपोली क्रिएट कर रही है, ताकि न नरेंद्र मोदी को सरकारी नौकरी देनी पड़े, न कर्मचारियों को पेंशन देनी पड़े और न ही गरीब, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर जनता के लिए जन कल्याणकारी कामों पर पैसा खर्च करना पड़े।